भारत में कई तरह की सब्जियां खाई जाती हैं जो पोषक तत्वों से युक्त होती है। इन हेल्दी सब्जियों की लिस्ट में पत्ता गोभी भी शामिल है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को अक्सर ये चिंता रहती है कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और किन सब्जियों को अपनी प्रेगनेंसी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसी तरह गर्भवती महिला को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें पत्ता गोभी खानी चाहिए या नहीं। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। गर्भावस्था के दौरान खाने में पत्ता गोभी ले सकती हैं। हालांकि आपको इस समय कच्ची पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। इसमें लिस्टीरिया भी होता है, जिससे खाद्य जनित बीमारियां हो सकती हैं और गर्भस्थ शिशु भी बीमार पड़ सकता है। इस बैक्टीरिया के कारण मिसकैरेज, प्रीमैच्योर डिलीवरी और स्टिल बर्थ भी हो सकते हैं। गर्भावस्था में पत्ता गोभी को अच्छी तरह से धोएं, उबालें और फिर पकाएं। आपको बता दें कि पत्ता गोभी में कैलोरी कम होती है और फाइबर बहुत सारा। इस सब्जी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, सी, के, B6, फॉलिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और थायमीन, पोटेशियम और सोडियम भी होते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और फॉस्फोरस भी पाए जाते हैं। प्रेगनेंसी में कब्ज होना एक आम समस्या है और पत्ता गोभी खाने से पेट साफ रहता है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में डाइट्री फाइबर होते हैं। गैस की परेशानी भी सब्जी से दूर हो सकती है, लेकिन आपको इसे ज्यादा नहीं खाना है। पत्ता गोभी में फॉलिक एसिड होता है, जो शिशु को न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट से भी बचाता है। वहीं पत्ता गोभी कैल्शियम और विटामिन के का अच्छा स्रोत है, जिससे गर्भस्थ शिशु की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल रखने में इलेक्ट्रोलाइट्स अहम भूमिका निभाते हैं और पत्ता गोभी में ये प्रचुरता में पाया जाता है। प्रेगनेंसी में सूजन की समस्या आम होती है और ऐसा खून और फ्लूइड के बढ़ जाने के कारण होता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में पत्ता गोभी खा लें तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पत्ता गोभी पर कीटनाशक छिड़के जाते हैं, जिससे सब्जी में बैक्टीरिया और खाद्य जनित बीमारियां भी पैदा होती हैं। बेहतर होगा कि आप पत्ता गोभी को अच्छी तरह से धोकर पकाएं, उसके बाद ही खाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।